मैं ऋतुराज भक्तराज भोसले आपके सामने खुदौसी नानापन से और अवधि घराने के अंतर्गत ताल रुद्र पेश करने की कोशिश करूंगा। दिन ता कत धा दिन ता ते ट क ता गणपति एक दंत लंबोदर कर त्रिशूल त्रय पुंड्र भाल लोचन विशाल घृत रुचिर मालवारे सुरपूजित कीरति अखंड तिट दीन कृतज्ञ मुदित मन पद रज था धगत धगत प्रज्वलित तेज धा कृतक धम कृतक गदिग नधा गदिग नधा गदिग नधा धा धगत धगत प्रज्वलित तेज धा कृतक धम कृतक गदिग नधा गदिग नधा गदिग नधा धा धगत धगत प्रज्वलित तेज धा कृतक धम कृतक गदिग नधा गदिग नधा गदिग नधा धा। ये मेरे दादा गुरु स्वामी राम शंकर दास पागलदास जी का है। तीसरी मात्रा से फरमाइश वरण धगत दिगन धकिट तान धक धिकट धिटक धकिट धकित धकित धुमकिट धिगन दिगन दिगन तिटता धान तान धान तान धा 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 दिगन दिगन न तिटता धान तान धान तान धा 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 दिगन दिगन न तिटता धान तान धान तान धा धा धा। फरमाइश करता
चौथी मात्रा से एक और गुस्ताखी करना चाहूंगा, पांचवी मात्रा से एक फरमाइश पर्ण बनाने की कोशिश की, धीरे धीरे का कोशिश करता हूं। फरमाइश एक सार्थक निरर्थक परन पेश करने कोशिश करूंगा, मेरे दादा गुरु स्वामी रामशंकर दास पागलदास जी का है। इसमें दो विद्वानों का संवाद है, तो एक शब्द ब्रह्म के विद्वान है तो दूसरे नाद ब्रह्म के विद्वान है, तो दोनों का संवाद किस प्रकार होता है। शब्द ब्रह्म के पंडित जो है वो अपने रास्ते से गुजर रहे होते हैं और सुबह सुबह नाद ब्रह्म के पंडित अपना रियाज कर रहे होते, तो वहीं से वो गुजरते हैं तो उनको बोलते हैं कि ये तुम क्या बजाते हो, इसका कोई अर्थ है। वो पंडित है शब्द ब्रह्म के लेकिन जानते संगीत भी है, तो उनको बोलते कि तुम बजाते क्या हो, तो वो बोल बोल के बताते कि धा किट तक धुम किट तक धा दिंग धा ता न ता न ता धा न धा धा न किट धा न तिट धा न तिर किट न धिर किट न धुम किट न घेगे तिट न धा किट न ता किट न घड़ा न कड़ा न दिनता न थुंगा तो क्या। शंभु जय शंभु जय शंभु जय, साढ़े सात मात्रा से मात्रा से फरमाइश पर्ण धरे 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 धरे
दिन ता कत था दिन ता धीरे धीरे करता धीरे करता थकूंगा कटे टे ता गद्दे घन धीरे करता आधा ताधा धीरे करता आधा ताधा धीरे करता आधा ताधा फरमाइशी जाति का कुछ ताल परन तो इसमें धीरे धीरे तीरे तीरे और नग नग बजेगा, पहले आगे से पीछे आएगा और फिर पीछे से आगे जाएगा। कोशिश करता हूं। पांचवी मात्रा से फरमाइशी कृतकता
आखिरी में एक तिहाई है, तिहाई है लेकिन फरमाइशी का गणित है उसमें, तीन धा बजेंगे, पहला दूसरा तीसरा। आखिरी में एक त्रिपुरारी आरती परन पेश करने की कोशिश करूंगा, जो कि मेरे पिताजी का है, पंडित भक्तराज उस लेगा।